वंदे मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं और इसमें आप सभी का जो आशीर्वाद अनुभव मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन। और मेरे हाथ में है अभी महिलाओं के लिए आयुर्वेद डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय जी द्वारा लिखित, जिन्हें खुद आयुर्वेद का 35 वर्ष का अनुभव है, चिकित्सीय अनुभव और बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान, और वो अपने अनुभव के आधार पर इस पुस्तक को लिखे हैं। ऐसे नहीं, इनकी कई सारी पुस्तकों में 2 पुस्तकों को राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज इसी पुस्तक के किसी एक अध्याय को पढ़ते हैं जिससे कि हमारी माताएं बहन बेटियों की जो समस्याएं हैं उसमें वो स्वस्थ हो जाएं और समृद्ध रहें, क्योंकि अगर माँ बहन बेटियां घर की अगर स्वस्थ हैं तो परिवार पूरा का पूरा खुशनुमा और समृद्ध रहता है। एक चेहरे की झुरियां, एक अध्याय है इसमें 4 नंबर पे, चेहरे की झुरियां, पेज नंबर 13। नकल मार रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे कहते हुए एक पैसे की भी शर्म नहीं होती, क्योंकि हम कोई पेट से नहीं आते, लेकिन अज्ञान ग्रहण करके ही हम ज्ञानित होते हैं और विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो हम उसे उपयोग करते हैं और उपयोग करने पे हमारा लाभ ही लाभ होता है। तो चेहरे की झुरियां, कारण है बढ़ती उम्र, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, त्वचा की उचित देखभाल का अभाव, डाइटिंग, तेजी से वजन कम होना, कम मात्रा में पानी पीना, प्रदूषण, तनाव, चिंता, फास्ट फूड। उपचार में लिखते हैं एलोवेरा जेल, रात को सोते समय एलोवेरा जेल लगाना नहीं भूलें। एलोवेरा चेहरे की त्वचा के स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पपीते का प्रयोग, चेहरे पर पके हुए पपीते के टुकड़े को धीमे धीमे घिसें, लगभग 20 मिनट के बाद चेहरा धो लें। झुरियों को दूर करने के लिए सस्ता एवं अचूक प्रयोग है। हाथों पर झुरियाँ हों तो हाथों पर झुरियाँ पड़ने पर कच्चे आलू का पेस्ट बनाकर हाथों पर लेप करें। इसी प्रकार नींबू का रस मलने से भी हाथों की झुरियाँ समाप्त होने लगती है। झुरियाँ एवं त्वचों का रूखापन, अरबी की सब्जी का सेवन करने से त्वचा का रूखापन तथा झुरियाँ दूर होती है। जैतून का तेल, सवेरे नहाने के बाद चेहरे पर जैतून के तेल से मालिश करना नहीं भूलें। झुरियाँ के विपरीत दिशा में उंगलियों को घुमाते हुए मालिश की जानी चाहिए। गालों की मालिश नीचे से ऊपर करें। जैतून के तेल के अभाव में बादाम रोगन का उपयोग किया जा सकता है। हल्दी और त्रिफला अथवा आंवले से बने हुए कैप्सूल या उनके बने हुए पदार्थ का नियमित सेवन करते रहना चाहिए। इससे बॉडी डिटॉक्स होने में मदद मिलती है। दूध में कच्ची हल्दी का भी सेवन किया जा सकता है। इसी प्रकार आंवला जूस, आंवला कैंडी इत्यादि भी सेवन किया जा सकता है। मुख प्रक्षालन, चेहरे पर ठंडे पानी से छींटे मारने को आयुर्वेद में मुख प्रक्षालन कहा जाता है। ठंडे पानी से नियमित रूप से दिन में 2 से 3 बार चेहरे को धोने से भी चेहरे की त्वचाओं में झुरियां पैदा नहीं होती। रक्तपित्त रोग का नाश होता है। चेहरे की झुरियां, झाइयां, झुरियों से मुक्ति मिलती है। सुप्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ योग रत्नाकर के अनुसार मुख प्रक्षालनम शीत प्यासम रक्तपित्त जीत मुखस्य पिंड काशो निशलिका व्यंगम नाशम, ये श्लोक है। अंकुरित आहार लाभप्रद है। सवेरे नाश्ते में नियमित रूप से अंकुरित आहार का सेवन करने से चेहरे की झुरियों से बचाव होता है तथा बुढ़ापा भी देरी से आता है। इसके लिए चना, मूंग, मूंगफली इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है। अंकुरित आहार विटामिन ई का खजाना होता है जो कि झुरियों से हमारा बचाव करता है। व्हीट ग्रास जूस, नियमित रूप से 20-20 मिलीलीटर की मात्रा में व्हीट ग्रास जूस, एलोवेरा जूस एवं आंवला जूस का सेवन करने से बुढ़ापा देरी से आता है तथा चेहरे की त्वचा में कसावट पैदा होती है। उद्गीत प्राणायाम, नियमित रूप से 8-9 बार ओम का उच्चारण करें, निश्चित ही चेहरे की झुरियों से बचाव होगा। आसन में सिंहासन करें, मुद्रा में प्राण मुद्रा, अनामिका तथा कनिष्ठिका अंगुली का स्पर्श अंगूठे से कराने पर यह मुद्रा बनती है। 20 मिनट सवेरे शाम करना चाहिए। होने वाले लाभ, यह मुद्रा इम्यूनिटी को बढ़ाती है, नेत्र ज्योति बढ़ाती है, मस्तिष्क को भी शक्ति प्रदान करती है। इसके अभ्यास से जीवन शक्ति में वृद्धि होती है, नसों के विविध विकारों को दूर करती है, शरीर में पाए जाने वाले विविध विटामिनों के असंतुलन को दूर करती है। इसके अभ्यास से क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, थकान दूर होने लगती है, शारीरिक अंगों की शिथिलता दूर होती है, चेहरे की झुरियां दूर होती है। व्रत के दौरान इसका अभ्यास करने से साधक को भूख और प्यास पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस मुद्रा से कैंसर रोगी को भी लाभ मिलता है।
यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है और आम कफ मेद मल इत्यादि विजातीय तत्वों से शरीर को मुक्ति दिलाती है। वाटर थेरेपी, रोज सवेरे बिस्तर से उठते ही लगभग 750 मिलीलीटर पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती और बुढ़ापा देरी से आता है। एक कहावत के अनुसार, जो नित आंवला खात है प्रात पियत है पानी, कभू न मिल ही वैद राज सो कभू न जात जवानी। अर्थात जो व्यक्ति नित आंवले का सेवन करता है, सवेरे पानी पीता है, उसे कभी डॉक्टर वैद्यों की जरूरत नहीं पड़ती और वो सदा जवान बना रहता है। नाभि में नियमित रूप से तेल लगाएं। नाभि में कौन सा तेल लगाएं? मुहासे हो तो नीम का तेल, होंठ फटते हो तो सरसों का तेल, चेहरे पर चमक लाने के लिए बादाम का तेल, चेहरे को मुलायम रखने के लिए शुद्ध देसी घी, चेहरे के दाग धब्बे मिटाने के लिए नींबू का तेल। नाभि में तेल लगाने से होने वाले लाभ, पेट में अनेक प्रकार के विकार शांत हो जाते हैं, विविध प्रकार के वायु रोग दूर हो जाते हैं, सिर में दर्द होना तथा नींद नहीं आने की शिकायतें दूर हो जाती है, कमर में होने वाला दर्द भी दूर होता है। दमा तथा खांसी को दूर करने हेतु यह एक अव्यर्थ प्रयोग है। मस्तिष्क संबंधी विविध बीमारियां जैसे पागलपन मिर्गी को दूर करता है। जो लोग नियमित रूप से नाभि में तेल लगाते हैं वो दिमागी बीमारियों से मुक्त रहते हैं। नाक में तेल लगाने से होने वाले लाभ, घी अथवा तेल की दो दो बूंदे दोनों नासा छिद्रों में नियमित रात को सोने से पहले तथा बिस्तर से उठते ही डालने से निम्न प्रकार के रोगियों को विशिष्ट लाभ होते हैं। झुर्रियों से बचाव होता है, नींद में कमी, अधरंग साइनोसाइटिस, खराटे आना, स्मरण शक्ति में कमी, अधरंग के रोगों की आवाज बंद हो जाना, जैसे रोगों इसमें लाभ मिलता है। तो साधारण साधारण चीजें जो हम आसानी से कर सकते हैं, उनमें से प्राण में मुद्रा हमें करनी चाहिए नियमित रूप से, नाभि में तेल लगाना चाहिए, नाक में तेल डालना चाहिए और ठंडे पानी से चेहरे को धोना चाहिए, सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। तो इस तरीके से हम नियमित अपनी दिनचर्या में बिना किसी औषधि के भी हम अपने आप को जवान बनाए रख सकते हैं, हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो जब वक्त आ गया है अपनी दिनचर्या को सुधारने के लिए, अपनी आदतों को सुधारने के लिए, जरूरी नहीं कि हर चीज की दवा ही खाई जाए। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अद्भुत ज्ञानों को जन जन तक पहुंचाने में मदद करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। आप सबका भाई गोविंद सरण प्रसाद।